लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज या जिनके यूसेस को लेकर कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। उन वर्ड्स को हमें यूज करना होता है। ऐसे वर्ड्स हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो एवरीडे कम्युनिकेशन होता है, आम बोलचाल की भाषा होती है, उसमें भी हमें इन वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये होमोनिम्स या पैरोनिम्स, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, इनका हम यहाँ पे डिस्कशन आज करेंगे। देखिए, जैसे हमने एक वर्ड लिखा, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए हम, ठीक है, या जैसे हमने एक वर्ड लिखा फोर्ड और एक वर्ड लिखा फोर्ड। अब हमें पता है इन वर्ड्स के यूजेस अलग हैं, इनके मीनिंग्स भी अलग हैं, लेकिन कई बार जब हमने मतलब थोड़ा सा ध्यान देके नहीं इनको स्टडी किया होता है, तो हम इनके यूज को लेकर कंफ्यूज जाते हैं कि कहाँ सेंसुअस लिखना है, कहाँ सेंसुअल लिखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे वर्ड्स जिनका कॉमन रूट होता है, जैसे दोनों वर्ड हैं, एक सेंस वर्ड होता है, ये दोनों उसी से बने हैं। सेंस से ही सेंसिटिव बना, सेंसुअल बना, ठीक है, सेंसुअस बना, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं पैरोनिम्स। सच वर्ड्स एज शेयर अ कॉमन रूट, ऐसे वर्ड जो कॉमन रूट से बनते हैं, एक ही रूट वर्ड होता है, उसी से वो बनते हैं, उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, यूजेस अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं पैरोनिम्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके रूट अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके प्रोनंसिएशन जो होती है, साउंड जो होता है, वो सेम सा होता है, तो उनको हम कहते हैं होमोनिम्स या होमोफोन्स। तो इनमें भी कंफ्यूजन होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन कुछ ऐसे ही वर्ड्स का जो कि पैरोनिम्स हैं या होमोनिम्स हैं, ठीक है, जिनकी या तो प्रोनंसिएशन सेम सी होती है, बट उनकी स्पेलिंग या उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो सेम रूट से बने हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके यूजेस अलग अलग हैं, तो इनका हम डिस्कशन करेंगे। ये जो होड है और सेंसुअल सेंसुअल है, ये भी आगे आ ही जाएंगे, तो आज ये डिस्कस करते हैं ऐसे वर्ड्स को। यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके सामने दो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ब्लैंक्स होंगे, उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होंगे, आपको ये चूज करना है विच ऑप्शन इज द आंसर, कौन सा ऑप्शन आंसर है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा ढंग से तैयारी करें तो वोकैब इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है। बस वोकैब में क्या होता है कि आप ये नहीं मान सकते कि दिस इज द लास्ट बुक, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बुक, कि बस ये किताब मैं पढ़ लूंगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी इन टच, आपको हमेशा टच में रहना पड़ता है। अच्छी बात है, आपके एग्जाम में आया, आपने बढ़िया भी करा होगा, सही आंसर दिया होगा, उसका फायदा भी मिलेगा। चलिए, द डायनासोर्स डाइड बिकॉज दे कुड नॉट डैश देमसेल्व्स टू द न्यू क्लाइमेट, कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो बी डैश एट प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। जो वर्ड्स हमने लिखे ना बच्चे, इनमें देखो है क्या, ये जो अडेप्ट वर्ड है, ADEPT, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ADAPT जो अडेप्ट वर्ड है वो एक वर्ब है, अडॉप्ट वर्ड जो है ये भी एक वर्ब है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इसके आदमी इनके मीनिंग समझ लेते हैं जी। अडेप्ट वर्ड का मतलब होता है स्किल्ड, स्किलफुल, एक्सपर्ट, ठीक है, एड्रॉइट। अडेप्ट का मतलब होता है टू अक्लेमेटाइज, ठीक है, अक्लिमेटाइज करना, अपने को मतलब रिफॉर्म करना, सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना, हो गया अडेप्ट करना। अडॉप्ट का मतलब होता है टू रिसीव, टू फॉलो, किसी चीज का अनुसरण करना, उसके हिसाब से चलना, किसी बच्चे को गोद लेना, वो भी अडॉप्ट करना होता है। ठीक,
तो पहले ये मीनिंग समझ लीजिए कि ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं इनमें से किस वर्ड का क्या मीनिंग है, किस तरीके से यूज होता है। फिर से एक बार समझा देता हूं। अब ब्लैंक्स में देखिए, द डायनासोर्स डाइड बिकॉज दे कुड नॉट। अब ये जो कुड नॉट हमने लिखा ना बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हमें मेन वर्ब लिखनी है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी डैश एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये शुड हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है, यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव बन सकते हैं। तो यहां पर तो आ जाएगा आपका अडेप्ट, एडजेक्टिव है ना अडेप्ट। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी एक्सपर्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। कि जो कैंडिडेट है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक्सीलेंट हो ही, लेकिन उसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसमें आएगा अडेप्ट। उसमें जाते हैं, उसमें क्या आएगा, हमने लिखा द डायनासोर्स डाइड बिकॉज दे कुड नॉट डैश देमसेल्व्स टू द न्यू क्लाइमेट। तो यह में आएगा अडेप्ट। और ये जो अडेप्ट हमारी वर्ब होती है ना बच्चे, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रखा है ना देमसेल्व्स, तो ये अडेप्ट के साथ यूज होता है। चलो अब देखो, ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये समझ में आ गई। ही अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ही अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, कहने का मतलब क्या हो गया कि उसने अहिंसा का मार्ग चुना, अहिंसा का मार्ग फॉलो किया। ठीक है, ही अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, ये इन वर्ड्स के यूजेस होते हैं, ऐसे इनका ध्यान रखेंगे। नई कोई चीज आए समझ में तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़िए, देखो ये जो दोनों वर्ड हमने लिखे ना बच्चे, जैसे टेरिबल है, ठीक है, और टेरिफिक है, ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं, टेरिबल भी और टेरिफिक भी। मीनिंग देख लेते हैं। टेरिबल वर्ड का मतलब होता है बैड, अनप्लेजेंट, ठीक है। टेरिफिक का मतलब होता है ग्रेट, ठीक है, प्लेजेंट कह दो। तो ध्यान रखना है कि जो टेरिबल वर्ड है ना, वो वर्ड शो करता है हमारा डिसअप्रूवल। अगर हम किसी चीज को नापसंद करते हैं, क्रिटिसाइज उसको करना है, तो हम उसको टेरिबल वर्ड के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। टेरिफिक वर्ड शो करता है अप्रूवल, अप्लाउड, प्रशंसा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कोई चीज अच्छी है और शानदार है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे टेरिफिक का यूज करके। द सॉन्ग वॉज टेरिफिक, शानदार गाना था। टेरिफिक का मतलब बहुत अच्छा, वंडरफुल, ऑसम, ठीक है। अगर कोई चीज खराब है, मान लो हम कहीं गए खाने पीने की चीज हमने कोई खाई और बहुत बेस्वाद लगी, बिल्कुल उसमें कोई स्वाद नहीं आया, तो हम कहेंगे द फूड वॉज टेरिबल, ठीक है। हिज परफॉर्मेंस वॉज टेरिबल, बहुत बुरी उसकी परफॉर्मेंस थी। टेरिबल का मतलब नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ये टेरिबल और टेरिफिक वर्ड का हमें ऐसे यूज करना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, टर्न द रेडियो ऑफ, कि भाई रेडियो बंद कर दो, मेरे कान दुख रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि रेडियो को टर्न ऑफ कर दो, तो इसका मतलब वो जो सॉन्ग है जो रेडियो पे प्ले हो रहा है वो कैसा होगा, अच्छा तो नहीं होगा। अच्छा होगा तब तो हम कहेंगे अच्छी बातें सुनेंगे, अगर हम सॉन्ग की वजह से रेडियो बंद करवा रहे तो इसका मतलब खराब ही होगा। तो यहां पर भी हमें एडजेक्टिव चाहिए जो सॉन्ग को डिस्क्राइब कर दे, यहां पर भी हमें एडजेक्टिव चाहिए जो नाइटमेयर्स नाउन को डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। अब देखो, टर्न द रेडियो ऑफ, दैट सॉन्ग इज टेरिबल, बंद करो रेडियो, बहुत बुरा सॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिखा देयर डॉटर हैड डैश नाइटमेयर्स फॉर वीक्स आफ्टर एक्सीडेंट। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरे सपने, भयानक सपने, डरावने सपने, तो वो तो अच्छी चीज नहीं हो सकती, उसको लेकर तो कोई भी अप्रूवल नहीं शो करेगा, तो इसमें भी टेरिबल ही आएगा। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमें टेरिबल का यूज करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेरिफिक कैसे यूज करेंगे आज समझ लेते हैं।
एक हमने जैसे एग्जांपल लिखा अब्रॉड, अब यहां से देखो समझना, हमने एक नाउन लिखा विक्ट्री, यहां पर नाउन लिखा डिफीट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा, यहां पर भी हमने एक एडजेक्टिव लिखा। तो अब हमें ध्यान ये रखना है, ठीक है, अब हमें ध्यान ये रखना है कि विक्ट्री इज समथिंग गुड, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ड यूज किया टेरिफिक, टेरिफिक विक्ट्री, ठीक है, और डिफीट इज समथिंग बैड, डिफीट इज समथिंग बैड, तो उसके लिए हमने यूज किया टेरिबल, टेरिबल डिफीट, भयंकर हार, बुरी हार, शानदार जीत। तो जो चीज अच्छी है जिसको लेकर आप अप्रूवल एक्सप्रेशन देना चाहते हो उसको लिखिए टेरिफिक, जो चीज बुरी है जिसको लेकर आप अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना चाहते हो उसके साथ लिखिए टेरिबल। विक्ट्री इज ऑलवेज प्लेजेंट, डिफीट इज ऑलवेज अनप्लेजेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंडिया रजिस्टर्ड अ टेरिफिक विक्ट्री अब्रॉड, ठीक है, इंडिया फेस्ड अ टेरिबल डिफीट अब्रॉड, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, दिस स्टेल फिश स्मेल्स डैश, वाओ दैट्स अ टोटली डैश परफॉर्मेंस। अब हमारे पास दो वर्ड हैं, दो क्वेश्चन है, किसका क्या मतलब है आपको बताना है। देखो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये जो हमने ऑफुल वर्ड लिखा इट इज एन एडजेक्टिव, और ये जो हमने ऑसम वर्ड लिखा इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए ब्लैंक स्पेल करिए, ऑफुल का मतलब बैड, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इट शोज द अप्रूवल एज डज टेरिबल, ठीक है। ऑसम है गुड, ग्रेट, इट शोज दैट समथिंग इज प्लेजेंट, ये वैसा ही डिफरेंस हो गया, ठीक है, जैसा अभी हमने उसमें बताया था, क्या नाम, टेरिफिक और टेरिबल में, टेरिबल क्या शो करता है, डिसअप्रूवल, यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, यू डोंट फाइंड समथिंग प्लेजेंट, देन इट इज टेरिबल, इफ यू फाइंड समथिंग प्लेजेंट, इफ यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड विद समथिंग, देन इट इज टेरिफिक, इट इज ऑसम, ठीक है। तो जहां पर आपको अप्रूवल एक्सप्रेस करना है वहां पर कहिए, वहां पर कहिए ऑसम, जहां पर आपको डिसअप्रूवल शो करना है यू डोंट फाइंड समथिंग प्लेजेंट, ठीक, तो वहां पर यूज कीजिए क्या नाम, ऑफुल। चलो अब आंसर बताओ, अब देखो जैसे हमने लिखा दिस स्टेल फिश स्मेल्स, स्टेल अगर वर्ड यहां पे ना लिखा हो, थोड़ा समय के लिए ध्यान देंगे सभी लोग, अगर यहां पर ये वर्ड ना लिखा हो स्टेल, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, अगर स्टेल वर्ड ना लिखा हो, तो स्टेल लिखा है तो सिचुएशन अलग होगी। अब एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए, ये जो स्टेल वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, स्टेल का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, व्हाट डज द वर्ड स्टेल मीन, स्टेल का मतलब होता है बच्चे बासी, जैसे बासी खाना है, कोई भी चीज जो है ना जो मतलब फ्रेश नहीं है, इट इज अपोजिट ऑफ फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा, फ्रेश ब्रेड, ठीक है, फ्रेश फ्रूट फूड, और जो फ्रेश नहीं है, खराब हो गया है, काफी समय का रखा हुआ है, वो है स्टेल। तो अगर स्टेल फिश है तो स्टेल फिश से जो स्मेल आएगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी या खराब होगी, प्लेजेंट होगी या अनप्लेजेंट होगी, हमें सोचना है। स्टेल फिश जो है उससे जो स्मेल आएगी वो स्मेल कैसी होगी, खराबी होगी, अच्छी तो नहीं होगी, बासी खाना जो होता है उससे अच्छी स्मेल तो नहीं आती, फ्रेश फूड होता है उससे अच्छी स्मेल आती है। तो अगर यहाँ पे स्टेल वर्ड ना लिखा हो तो हम ऑसम भी लिख सकते थे,
लेकिन स्टेल वर्ड से हम हिंट हमें मिल गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट, तो हम अनप्लेजेंट थिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखना ऑफुल. द स्टेल फिश स्मेल्स ऑफुल, बहुत खराब महक. वाओ दैट्स टोटल डैश परफॉर्मेंस. अब देखो यहां पर अगर वाओ ना लिखाओ दैट्स अ टोटली डैश परफॉर्मेंस, तो हम ऑफुल भी लिख सकते हैं. मान लो किसी ने कोई परफॉर्मेंस दिया, बहुत खराब परफॉर्मेंस है, तो हम कहेंगे दैट्स अ टोटली ऑफुल परफॉर्मेंस, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है. लेकिन वहां पे देखो एक्सक्लेमेटिव वर्ड लिखा हुआ वाओ, अगर हमने यहाँ पे वाओ लिख रखा है ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी, इसी वजह से एक्सक्लेमेशन हुआ है. अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और इसकी वजह से एक्सक्लेमेशन हुआ है, तब तो फिर आपको यूज करना चाहिए ऑसम. वाओ दैट्स ऑसम परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ऑसम और ऑफुल, द थिंग्स दैट यू फाइंड प्लेजेंट यूज ऑसम टू डिस्क्राइब देम, एंड द थिंग्स दैट यू फाइंड अनप्लेजेंट यूज ऑफुल टू डिस्क्राइब देम. ठीक है, तो ये ऑसम और ऑफुल को इस तरीके से यूज करते हैं. नेक्स्ट का आंसर बताइए बच्चों. ये जो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों वर्ड है ना बच्चे, इनमें मैं ध्यान रखना है कि दोनों प्रेपोजिशन है. ठीक है, बिसाइड्स हालांकि प्रेपोजिशन के अलावा एडवर्ब भी होता है, लेकिन वो बात की बात है, बाद में देख लेंगे. अभी तो ये ध्यान रखो प्रेपोजिशन दोनों. तो एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा हमें इनका यूज ध्यान रखना है. बिसाइड जो है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है और इसका मतलब होता है नियर, बाय द साइड ऑफ. ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग. ठीक है, इन एडिशन टू. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, मेन बात मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों, ये जो बिसाइड है ना, ये प्रेपोजिशन एडिशन की है, एडिशन की. बिसाइड जो है प्रेपोजिशन प्लेस की है. अगर आपको सेंटेंस में वेयर को रिप्लाई करना है, वेयर को, ठीक है, तो ही बिसाइड यूज होगा, नहीं तो नहीं यूज होगा. ये भी हम काम के बाद ध्यान रख सकते हैं. बिसाइड जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है. ठीक है, प्लेस की प्रेपोजिशन है. उसका यूज हम सेंटेंस में तभी करते हैं जब हमें वेयर को रिप्लाई करना. अगर हमें वेयर को रिप्लाई नहीं करना तो हम उसका यूज नहीं करते. सभी ध्यान रखेंगे. अब देखो, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, वेयर आई हैड बीन इन साउथ अमेरिका, कि मैं साउथ अमेरिका में कहां कहां गया था, डैश पेरू, इंक्लूडिंग पेरू या नियर पेरू, ये बताना है. तो देखो, पेरू इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, तो इंटरव्यूअर को ये तो पता है कि मैं पेरू गया था. पेरू के अलावा किसी और कंट्री भी क्या गया था, वो ये पूछ रहा है. इन एडिशन टू वाला मीनिंग चाहिए, तो यहां पे लिखो बिसाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ. देयर इज एन एरिया ऑफ स्क्रब एंड वुडलैंड. स्क्रब और वुडलैंड का एक एरिया है, कहां पर है, वेयर, वेयर इज द एरिया, कहां है, तो मैं वेयर का रिप्लाई चाहिए, तो वेयर का रिप्लाई लिख दो बिसाइड द रेलवे ट्रैक. बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, रेलवे ट्रैक के साइड में. तो यहां पे आ गया बिसाइड. देयर इज एन एरिया ऑफ स्क्रब एंड वुडलैंड बिसाइड द रेलवे ट्रैक. ठीक है, ये हो गया. चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, आंसर बताना सभी लोग. ही बॉट a diary dash a book. He put yeah, he laid the diary dash the book. ये blanks आपको fill करने हैं. ऑप्शन बिसाइड और बिसाइड्स हैं, सभी लोग आंसर बताइएगा. ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं. ऑप्शन बिसाइड और बिसाइड्स हैं, किसमें बिसाइड आएगा, किसमें बिसाइड्स आएगा, ये सबको बताना है.
सभी लोग आंसर बताइए। हेलो नया तो भाई मैं आंसर बताओ बच्चा। अब देखो जहां पर आपको वेयर का रिप्लाई चाहिए वहां तो लिखना बिसाइड, जहां पे आपको इंक्लूजन शो करना है एडिशन शो करना है वहां पर यूज कीजिए besides। अब जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही बॉट अ डायरी, कि उसने एक डायरी खरीदी, ठीक है। अब वेयर का रिप्लाई तो अब बुक होगी नहीं, मान लो कोई हमसे पूछे कि उसने डायरी खरीदी कहाँ खरीदी, तो हम ये तो नहीं कह देंगे नियर अ बुक, बुक के पास डायरी खरीदी, तो बुक जो है वो डायरी खरीदे जाने का प्लेस तो नहीं है, तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई नहीं चाहिए। वेयर का रिप्लाई नहीं चाहिए तो लिखो besides। He bought a diary besides a book. तो इसका मतलब हो गया उसने डायरी खरीदी in addition to a book, बुक के अलावा, मतलब बुक तो खरीदी खरीदी, बुक के साथ उसने डायरी भी खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में हमने लिखा ही लेड द डायरी, उसने डायरी को रख दिया, ले कर देना मतलब रख देना, ही लेड द डायरी, उसने डायरी को रख दिया, वेयर कहाँ रख दिया। अब हमें वेयर का रिप्लाई चाहिए, वेयर का रिप्लाई चाहिए तो बिसाइड लिख दो, बिसाइड जो होता है ना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, इसका मतलब नियर द बुक, उसने डायरी को रख दिया कहां पे रख दिया नियर द बुक, तो बिसाइड और बिसाइड्स के इस तरीके से हमें यूज करना है। अगला देखो, ये जो यूनैनिमस वर्ड है और अनॉनिमस वर्ड है बच्चे, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। मीनिंग में डिफरेंस देखते हैं, यूनैनिमस का मतलब होता है विदाउट, नहीं हाँ, All of one opinion, unanimous का मतलब all of one opinion, कि सबकी राय एक ही हो, सब एक मत हो, इसमें कोई विवाद ना हो, without any disagreement, without any disagreement, जिसमें कोई disagreement ना, मतलब सब सहमत हो, all agree, unanimous का मतलब all agree, एक ऐसा मामला जिसमें सब agree हो। anonymous का मतलब होता है without bearing a name, without bearing or having a name, गुमनाम, बिना नाम का, इसका मतलब है गुमनाम, बिना नाम का, ठीक है। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम, यूनैनिमस का मतलब है एकमत, सर्वसम्मति। चलो अब आंसर बताओ, आई हैव जस्ट हर्ड दैट सम डैश नोट इज एक्चुअली बीइंग सर्कुलेटेड, तो यहां पर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि इस नाउन नोट को डिस्क्राइब कर दे, द पैनल ऑफ जजेस वर नॉट डैश, यहां पर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो पैनल ऑफ जजेस को डिस्क्राइब कर दे। तो अब देखो, नोट का मतलब है कुछ लिखित, नोट का मतलब है कोई पत्र, कोई मैसेज, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मान लो कोई लेटर है, उस पर नाम लिखा हुआ है कि इसने लिखा या इसके लिए, तो वो उस पर तो नाम हो गया, ठीक है। कोई लेटर हमें ऐसा मिल जाए, कोई मैसेज हमें ऐसा मिल जाए जिस पर कोई नाम ना लिखा हो, पता ना चल पाए किसने लिखा है। हमने मान लो इंटरनेट पर कोई पोएम पढ़ी, हमें कोई पोएम मिल गई, हमें बड़ी अच्छी लगी, हमने पढ़ी वो, लेकिन हमें ये पता नहीं है किसकी है पोएम, किसने लिखी, नाम नहीं पता, तो वो एनोनिमस पोएम हो गई। एनोनिमस का मतलब विदाउट कैरिंग अ नेम, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक। तो वहां पे वो जो नोट वर्ड है ना उसके साथ में हमें एनोनिमस लिखना पड़ेगा, एनोनिमस नोट। एनोनिमस नोट का मतलब एक ऐसा नोट जिसका पता नहीं किसने लिखा और किसके लिए लिखा, बिना नाम का, गुमनाम। द पैनल ऑफ जजेस वर नॉट डैश इन देयर डिसीजन, अब मान लो डिसीजन लेना है कोई जजेस को, लेकिन उनकी सबकी सहमति नहीं है, सबका एकमत नहीं है, अलग अलग उनके ओपिनियन है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऐसे हम कह देंगे द पैनल ऑफ जजेस वर नॉट यूनैनिमस। द
पैनल ऑफ जजेस वर नॉट यूनैनिमस इन देयर डिसीजन, कि जो जजेस का पैनल था वो यूनैनिमस नहीं था, एकमत नहीं था, ठीक है। अगला देखो, द क्लर्क्स सेज, क्लर्क कर लेना, क्लर्क अच्छा नहीं लग रहा, सब्जेक्ट आर्गुमेंट की एरर हो गई ना। चलो, द क्लर्क सेज दैट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड एज टुडे, द यंग मैन मैनेज टू ट्रैक डाउन हिज कजन एंड अंकल, द डैश वॉज वीक। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एल ए टी ई आर लेटर और एल ए टी टी आर लेटर, ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ये वाला एडवर्ब भी होता है, ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव भी है साथ ही साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, ठीक है, ये वर्ड केवल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये जो हमने लिखा है लेटर एल ए टी आर, इसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, बाद में, अभी नहीं, ठीक है, इसका मतलब बाद में कभी। एल ए डबल टी आर लेटर का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू, द सेकेंड ऑफ टू, द टू का मतलब हो गया दो में से बाद वाला, द सेकेंड ऑफ द टू का मतलब दो में से बाद वाला, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है क्या, कि ये जो एल ए टी आर लेटर है ना बच्चे, ये रेफर करता है टाइम को, ये रिलेशन टाइम से शो करता है, जिन वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है उनका, ये सीक्वेंस से पोजीशन से शो करता है, एल ए टी आर लेटर जो है सिंगल टी जिसमें है वो टाइम के लिए यूज होता है, एल ए डबल टी वाला लेटर है उसका मतलब द सेकेंड ऑफ द टू और वो पोजिशन या सीक्वेंस शो करता है। अब अपने दोनों क्वेश्चंस पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द क्लर्क सेज दैट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड डैश टुडे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एडवर्ब ऑफ टाइम चाहिए, व्हेन का रिप्लाई, यहाँ पर हमें व्हेन का रिप्लाई नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें विच का रिप्लाई चाहिए, द डैश वॉज सिक, ठीक। अब देखो, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसने ढूंढ लिया अपने कजन को और अपने अंकल को, दोनों को ढूंढ लिया, लेकिन जो उसका कजन है वो बीमार था, नहीं अंकल बीमार था, बाद में अंकल को लिखा गया ना, तो अंकल बीमार था, तो बाद वाले को हमें रेफर करना है, तो हम लिखेंगे लेटर एल ए डबल टी आर, यहां पर हमें टाइम को रेफर करना है और एडवर्ब चाहिए, तो हम लिखेंगे एल ए टी ई आर, ये हमारा करेक्ट है, ठीक। तो जब हमें टाइम को रेफर करना हो और एक एडवर्ब की जरूरत हो तो लिखा करो एल ए टी ई आर, अगर हमने कोई दो नाउन मेंशन कर रखे हो, दो में से बाद वाले को रेफर करना है, तो हम लिखेंगे एल ए टी टी ई आर। तो ये जो हमने द लेटर लिखा ना, द लेटर का मतलब दूसरा, दूसरा का मतलब अंकल। अब इसमें जो हमने द लेटर लिखा है किसे रेफर कर रहा है, अंकल को, क्योंकि अंकल को हमने बाद में लिखा, ये नाउन टू है, ये नाउन वन है, अगर हमें पहले वाले को रेफर करना था तो हम लिखते फॉर्मर, जैसे मान लो अगर हमें ये कहना होता कि यंग मैन ने ट्रैक डाउन कर लिया अपने कजन और अपने अंकल को, लेकिन जो उसका कजन था वो बीमार था, तो हम कहते द फॉर्मर वॉज सिक, द फॉर्मर का मतलब दो में से पहले वाला, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। चलो, एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आंसर बताना, देखो, we shall include this feature, कि हम इस feature को include कर लेंगे, कहां include करेंगे, in the later updates, आने वाली updates में, तो हमें time को refer करना है, sequence को नहीं, जो update आ चुकी है उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो future में updates आएंगी, उन future updates में हम इस feature को include कर लेंगे, तो जो future में updates आएंगी, उन updates में हम इस feature को include कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे update को relate करना है किससे, time से, ऐसा नहीं कि अपडेट्स कहीं पर रखी हैं उनका हमें सीक्वेंस बताना है कि विच वन अपडेट, ये वाली अपडेट, वो वाली अपडेट, यहाँ पे हमें अपडेट को रिलेट करना है टाइम से, जो आने वाली हैं वो अपडेट्स, तो लिखो लेटर एल ए टी आर, और ध्यान देना ये लेटर जो वर्ड हमने लिखा ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये जो हमने लेटर वर्ड यहाँ पे लिखा ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है,
ये वाला एडवर्ब था, तो लेटर एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है, टाइम को रेफर करता है। वहां पर देखो, वहां पर हमें सीक्वेंस को रेफर करना है, टाइम को नहीं रेफर करना है, सीक्वेंस। अब जैसे यहाँ पे तीन हैं सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक। अब अगर केवल दो होती तब तो हम लिख देते हैं लेटर, एल ए डबल टी आर, क्योंकि लेटर का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू। लेटर जो होती है ना, कंपेटिव डिग्री होती है लेट की। लेकिन यहाँ पर तीन है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, तो अब हम लेटर तो नहीं लिख सकते कंपेटिव डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट, द लास्ट इज द बेस्ट सिटी। द लास्ट का मतलब हो गया चेन्नई। और अगर मान लो हमें सबसे पहले वाले को कहना हो, ठीक है, तो हम कहेंगे फर्स्ट। जैसे मान लो अगर मैं कहना हो कि दिल्ली नहीं, जो चेन्नई नहीं, दिल्ली सबसे अच्छी सिटी है, तो हम कहेंगे फर्स्ट, द फर्स्ट इज द बेस्ट सिटी। तो द फर्स्ट का मतलब हो जाएगा दिल्ली। तो लेटर जो है ना, डबल टी वाला लेटर, उसका यूज हम दो के लिए करते हैं, फॉर्मर और लेटर का यूज दो के लिए किया जाता है। दो से ज्यादा की बात करनी हो तो फर्स्ट और लास्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा द लास्ट या द फर्स्ट। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने लिखा, आर वेरियंस ऑन दिस मैटर शुड नॉट डैश आर फ्रेंडशिप। वेरियंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, वेरियंस का मतलब है डिफरेंसेस, कि जो हमारे इस मसले पे डिफरेंसेस हैं वो हमारी फ्रेंडशिप को हमारे इंपैक्ट ना करें, प्रभावित ना करें। द प्रोस्पेक्ट विच कुड डैश रियल पॉलिटिकल चेंज हैव टेकन ए स्टेप बैकवर्ड। अब देखो, ये जो शुड नॉट हमने लिखा है, शुड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पे कुड हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। अभी जो वर्ड है इनके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे एक वर्ड है अफेक्ट और एक वर्ड है इफेक्ट, ठीक है। तो जो अफेक्ट वर्ड है ये वर्ब होता है, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट, असर करना किसी चीज पे। इफेक्ट जो है वो इसी वर्ब की नाउन फॉर्म है, और इसका मतलब होता है इम्पैक्ट, एक चीज। दूसरी चीज, अफेक्ट जो वर्ड है, अफेक्ट जो है ना वर्ड, एज अ वर्ब इसका एक मतलब और भी होता है, टू प्रिटेंड, दिखावा करना, फेक बिहेवियर करना। अफेक्ट वर्ड जो होता है ये वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज। तो ये थोड़ी सी बातें मैं ध्यान रखने वाली हैं कि अफेक्ट वर्ड वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट और टू प्रिटेंड, प्रभाव करना, असर करना, एक मीनिंग हो गया इसका। दिखावा करना, झूठा बिहेवियर करना, ये एक मीनिंग हो गया इसका। फिर इफेक्ट आ गया, इफेक्ट वर्ड नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट, असर, प्रभाव। उसके अलावा ये वर्ड वर्ब भी होता है, जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज, किसी चीज को प्रभावित करना, उस पर असर करना। मतलब कॉज करना मतलब किसी चीज को हैपन करना, मेक समथिंग हैपन। अभी जो बातें मैंने आपको ध्यान में बताई हैं, दी हैं, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्लैंक्स हैं फिल करो सभी लोग। फिल इन दिस ब्लैंक्स, सभी लोग ब्लैंक्स फिल करो भाई। अब देखो, आप समझो यहाँ पे आपको कौन सा मीनिंग चाहिए। चाहिए तो वर्ब दोनों में, ठीक है, आपको इम्पैक्ट मीनिंग चाहिए, प्रिटेंड मीनिंग चाहिए, कॉज मीनिंग चाहिए। अपने आप सोचो और बताओ यहाँ पर आपको कौन सा मीनिंग चाहिए, प्रिटेंड मीनिंग चाहिए, इम्पैक्ट मीनिंग चाहिए, कॉज मीनिंग चाहिए, कौन सा मीनिंग चाहिए, सोचो और बताओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपको, मुझसे आंसर बताना। कॉज, कि उनके प्रयास से कोई परिणाम नहीं आया, ठीक है। मेक टू हैपन, कॉज का मतलब मेक टू हैपन, तो यहाँ पे आएगा इफेक्ट। तो ये इफेक्ट वर्ब भी होता है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नाउन तो होते ही है, वो तो सबको पता ही होगा, तो ये वर्ब भी होता है, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। नाउन तो होते ही है, नाउन वाले भी देखो एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे ना, तो जैसे ही कुड नॉट एस्टिमेट, तो कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब, एस्टिमेट मेन वर्ब हो गए, द डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर है तो यहाँ पे नाउन आएगा, क्योंकि डिटरमिनर्स नाउन के साथ यूज होते हैं।
अब नाउन उनमें से बस इफेक्ट है, अफेक्ट नाउन होता नहीं है, तो यहां पे इफेक्ट ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। इफेक्ट का मतलब इंपैक्ट, तो ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। एक चीज, एक छोटी सी बात मैं ऐसे आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है। एक वो वर्ड होता है बच्चों, अगर कभी पढ़ा हो सुना हो, एक वर्ड होता है अफेक्टेशन। इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा भाई अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड अफेक्टेशन मीन? अफेक्टेशन एक वर्ड होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई भी बताए। अब देखो, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, आडंबर, ठीक है, प्रिटेंस, बनावटी व्यवहार, ठीक। तो जो अफेक्टेशन का मतलब है ना, वो इसी मीनिंग से आया। अफेक्ट का मतलब है टू प्रिटेंड, अफेक्टेशन का मतलब है प्रिटेंस, दिखावा, ठीक। हालांकि कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए एक वर्ड में तुम्हें और बता देता हूं, नहीं तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। एक वर्ड होता है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है फॉन्डनेस, लगाव, फीलिंग ऑफ लव फॉर समबडी। तो ये अफेक्शन है, ये अफेक्टेशन है, ठीक है। अफेक्टेशन का मतलब दिखावा होता है, वो इसी अफेक्ट वर्ब से बना है। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, ठीक है, वो अफेक्शन है। तो अफेक्शन और अफेक्टेशन, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इनका भी हम डिफरेंस याद रखें। ये वर्ड है अल्यूड, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। यहां तक आगे देखो, इल्यूड का मतलब है टू इवेड, टू एस्केप। अवॉइड, चकमा देना। एस्चिव, किसी चीज से बचना। ठीक है, अल्यूड का मतलब है टू कोट, किसी को कोट करना। टू रेफर टू, किसी का रेफरेंस देना, अल्यूजन होता है ना, उसी से बनता है, ठीक। तो इल्यूड का मतलब है चकमा देना, बचना, ठीक है, अवॉइड करना। अल्यूड का मतलब है टू रेफर टू समथिंग इनडायरेक्टली, किसी चीज को इनडायरेक्टली रेफर करना। अब देखो यहां पे, I cannot understand why the chairman did not. Did not helping verb है, यहाँ पे main verb आएगी, यहाँ पर infinitive आएगा, तो यहाँ पे verb आएगी। ये जो two लिखा ना, infinitive marker है। अब meaning देखो, the murderers of the businessman managed to evade the police team, elude the police team, कि वो महीनों तक police team को चकमा देने में सफल रहे। I cannot understand why the chairman did not allude to that problem at the meeting, कि मुझे समझ में नहीं आता कि चेयरमैन ने उस मीटिंग को, उस प्रॉब्लम को मीटिंग में रेफर क्यों नहीं किया। अल्यूड करना मतलब उसका रेफरेंस देना, हिंट करना उसको। इल्यूड करना मतलब बचना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड देखो, आर लीडर शुड बी रिमेम्बर्ड एज एन एनलाइटेंड एंड डैश रिफॉर्मर। We don't sell food and drink which is not fit for dash consumption. अब देखो, consumption word noun है, तो noun को describe करने के लिए हमें यहाँ पे एक adjective चाहिए। Reformer word noun है, तो noun को describe करने के लिए यहाँ पर भी हमें एक adjective ही चाहिए। तो दोनों में हमें adjective चाहिए, ठीक है। ये जो human word है, human, ये noun और adjective दोनों होता है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। एच यू एम एन ई ह्यूमन वर्ड जो है वो केवल एडजेक्टिव होता है, वो नाउन नहीं होता। सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान रखेंगे। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लैंक फिल करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन का मतलब होता है, एक तो ह्यूमन का मतलब होता है अ मैन, ये नाउन हो गया। फिर एडजेक्टिव होता है, तो उसका मतलब था रिलेटेड टू मैन, कंसर्निंग मैन, मनुष्य से संबंधित, इंसान से संबंधित। तो ये एडजेक्टिव हो गया इस मीनिंग में। ह्यूमन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है काइंड,
कंपैशनेट दयालु, संवेदनशील, ठीक है। चलो अब ब्लैंक फिल करो। देखो पर क्या लिखा हुआ है, आर लीडर शुड बी रिमेम्बर्ड, जो हमारे नेता हैं उनको याद किया जाना चाहिए, कैसे, एज एन एनलाइटेंड एंड डैश रिफॉर्मर, कि वो रिफॉर्मर थे, कैसे रिफॉर्मर थे, एनलाइटेंड, प्रबुद्ध और ह्यूमन, कंपैशनेट, दयालु, काइंड, ऐसे रिफॉर्मर थे। तो यहां पे आ जाएगा ह्यूमन। अगला देखो, वी डोंट सेल फूड एंड ड्रिंक, हम ऐसे फूड और ड्रिंक को नहीं बेचते हैं विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, जो इंसानों के कंजम्पशन के लिए ठीक ना हो, मतलब जिसको इंसान कंज्यूम ना कर पाए, जो इंसानों के खाने पीने की चीजें ना हो, वो चीजें हम नहीं बेचते, तो ये ह्यूमन हो गया। अब देखो, जैसे आप तुम लोगों ने कुछ पढ़े होंगे, टर्म्स होते हैं ना, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेस, तो ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन, तो ये ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब रिलेटेड टू मैन, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। आगे आ जाओ, फिर आ गया पर्सनल और पर्सनल, दे रेज्ड फंड्स टू हेल्प एक्स सर्विस डैश एंड देयर डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमें नाउन की जरूरत है, ठीक, अ डैश डाइट प्लान, यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, यहाँ पे डाइट प्लान नाउन है ना, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। चलो अब ब्लैंक्स फिल करो। इससे पहले कि मैं आपको आंसर्स बता दूं, आप आंसर्स जान जाओ, एक बार ब्लैंक्स फिल करो सभी लोग। एक छोटी सी चीज समझ सकते हो, ये जो पर्सनल वर्ड है ये वाला, ये एडजेक्टिव है, ये जो पर्सनल है ये नाउन है, ठीक है, मीनिंग देख लो। इस पर्सनल का मतलब होता है ऑफ वंस ऑन, अपना खुद का, व्यक्तिगत, जनरल नहीं, पब्लिक नहीं, नॉट पब्लिक, पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, एम्प्लॉय, अब ब्लैंक फिल करो। दे रेज फंड्स, कि वो फंड्स जमा करते हैं किस लिए, टू हेल्प एक्स सर्विस पर्सनल, जो एक्स सर्विस पर्सनल हैं, नौकरी से निकाले गए, मतलब पुराने कर्मचारी हैं, उनकी मदद के लिए, पर्सनल का मतलब स्टाफ, एंड देयर डिपेंडेंट्स, और उनके जो आश्रित लोग हैं, मतलब जो एक्स पर्सनल हैं और उनके आश्रित हैं, उनकी मदद के लिए। अ डैश डाइट प्लान इज डिवाइज्ड आफ्टर अ कंसल्टेंट विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में कंसल्टेशन के बाद में डिवाइस किया जाता है, तैयार किया जाता है, क्या डिवाइस तैयार किया जाता है, डाइट प्लान, कैसा डाइट प्लान, पर्सनल, पर्सनल का मतलब ऑफ वन सॉन, अपना खुद का, जो आपके लिए, सबके जन दुनिया भर के लिए नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल डाइट प्लान, पर्सनल का मतलब अपना, व्यक्तिगत, खुद का, कि हमारे लिए ये डाइट प्लान है। एक चलो और डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमने क्वेश्चन लिखा, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट सर्टनली डैश आर एक्सपेक्टेशंस, द प्लानिंग कमिटी हेडेड बाई द कोच में डैश टू ग्रोइंग प्रेशर। देखो ये जो हमने लिखा ना, सर्टनली डैश आवर एक्सपेक्टेशंस, वी रिक्वायर अ वर्ब हियर, यहां पर ना हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि आवर एक्सपेक्टेशंस जो नाउन है ना, वो उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर यहां पर हमें चाहिए कोच में डैश ग्रोइंग प्रेशर, यहां भी वर्ब चाहिए, में मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस मॉडल के साथ में फिर हमें वर्ब चाहिए। अब देखो ये जो एक्सीड वर्ड है ये वर्ब है, ठीक है, और ये जो एक्सीड है ये भी वर्ब है, दोनों ही वर्ब है, इनके मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। हाँ जाओ, इस एक्सीड का मतलब है टू एग्री,
एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। इस एक्सीड का मतलब है टू गो बियॉन्ड, टू बी मोर। एक्सीड करना मतलब अधिक होना, ठीक है, और उस एक्सीड का मतलब है टू एग्री। चलो अब ये बातें ध्यान में रखते हुए ब्लैंक फिल करो। जैसे हमने लिखा द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट सर्टेनली डैश आर एक्सपेक्टेशंस, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस को करते हैं क्या करते हैं, एग्री करते हैं या क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अब मान लो हमने एक्सपेक्टेशन किया था कुछ, लेकिन कोई चीज हो गई हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो वो एक्सीड कर गई, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन जो वर्ड लिखा ना उससे हम इजिली गेस कर सकते हैं, यहां पर आएगा एक्सीड, एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थे उनसे भी ज्यादा, मोर, मोर देन दैट। यहां पे हमने लिखा था प्लानिंग कमिटी हेडेड बाय द कोच मे डैश टू ग्रोइंग प्रेशर मे एक्सीड, एक्सीड का मतलब एग्री, कि बढ़ते हुए प्रेशर में वो एग्री कर सकते हैं। जो कमिटी है प्लानिंग कमिटी जिसको चेयर कोच हेड कर रहे हैं वो हमारी मांग को मान सकते हैं, ग्रोइंग प्रेशर है उससे वो मजबूर हो सकते हैं एग्री होने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ऐसी छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो भी ध्यान रखना, यू शुड नॉट ऐसे should not exceed more than the word limit. ठीक है, ये हमें एक चीज सेंटेंस को सही करना है, अगर ये गलत हो तो सभी लोग इसको सही करो। अगर ये लिखा गया सेंटेंस गलत हो बच्चों तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, ये सही बताइए सभी लोग। सब्जेक्ट शुड नॉट हेल्पिंग वर्ब, एक्सीड मेन वर्ब, एक्सीड ट्रांसटिव वर्ब होती तो इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो। एक्सीड का मतलब ही गो बियॉन्ड होता है, ठीक है, मोर देन होता है, तो उसके साथ ही हमें नहीं लिखना चाहिए। सीधे ऐसे लिखो द एसे शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, कि जो ऐसे है वो वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें। मतलब कोई ऐसे कहा गया कि 500 वर्ड्स में लिखिए, तो वो जो 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है वो उसको एक्सीड ना करें। तो एक्सीड ट्रांसटिव वर्ब होती है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्सीड एक ट्रांसटिव वर्ब होती है, उसके बाद डायरेक्ट हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। एक्सीड के बाद में मोर या मोर देन या बियॉन्ड ये नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए द एसे शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड द वर्ड लिमिट, तो वो गलत है। एक्सीड इज अ ट्रांसटिव वर्ब, इट इज फॉलोड बाई इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो अगली क्लास में भी हम इन्हीं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और एक दो क्लास हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ही पढ़ेंगे, जिससे कि एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहोगे और फिर उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कोई छोटा मोटा डाउट कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल में इतना ही, थैंक यू।